बीजेपी नेता ज्योति मिर्धा ने नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल पर तगड़ा निशाना साधा है। उन्होंने बेनीवाल के बीजेपी नेताओं के संपर्क में होने की चर्चाओं को लेकर भी जमकर प्रहार किया है। ज्योति मिर्धा ने जयपुर बीजेपी दफ्तर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि ये पुराने समय से घालमेल की राजनीति करते आए हैं। उन्होंने कहा था कि इन्हें घुड़ाले चलने की आदत है, पहले बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और फिर गहलोत के चरणों में पड़ गए, और यही नहीं अभी भी ये प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी के अंदर आकर किसी तरह घालमेल कर ले। और आपको बता दें कि बीजेपी नेता ज्योति मिर्धा ने यह भी कहा कि हनुमान बेनीवाल को लगता है कि उनकी दुकान का शटर डाउन हो रहा है और इसीलिए उन्हें घबराहट हो रही है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हें कोई समर्थन नहीं मिलेगा और आने वाले उपचुनाव में बीजेपी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। क्यूसर सीट पर उपचुनाव को लेकर ज्योति मिर्धा ने कहा कि जब अकेले चुनाव लड़ने का वो चैलेंज करते हैं तो अब की बार क्यूसर सीट पर जिसको उतारना चाहे उतारे और बैसाखियों के सहारे छोड़कर अकेले चुनाव लड़कर दिखाए। वहीं लोकसभा चुनाव हारने के सवाल पर ज्योति मिर्धा ने कहा कि नागौर एक मुश्किल सीट है और यहाँ विपक्ष ने अनर्गल बातें फैलाई जिसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ा। हार के कारणों पर ज्योति ने कहा कि जो कमियां रही उनको सुधारने की जरूरत है और आने वाले उपचुनाव में वो गलतियां नहीं होगी। हनुमान बेनीवाल के विधायक से सांसद बनने के बाद खिमसर सीट खाली हो गई है जहाँ आने वाले दिनों में उपचुनाव होना है। खिमसर से ज्योति मिर्धा के भी उपचुनाव लड़ने की अटकलें लगातार चल रही है। इन अटकलों को लेकर ज्योति मिर्धा ने कहा कि अभी ऐसी कोई चर्चा हुई नहीं है, मगर पार्टी का जो भी निर्देश होगा उसके हिसाब से आगे काम किया जाएगा। मजबूती से खिमसर उपचुनाव लड़कर बीजेपी जीत हासिल करेगी। अब देखना यही होगा कि बीजेपी की ओर से उपचुनाव में सीट से किसे कैंडिडेट बनाया जाता है। तो वहीं हनुमान बेनीवाल जो कि सीट से अब अपने विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं, वो अपनी जगह इस सीट से किसे उपचुनाव में दावेदार बनाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।